आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील धारा की पहचान जिस कवि त्रयी के साथ की जाती है उनमें एक प्रमुख नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इस त्रयी में शामिल नागार्जुन और त्रिलोचन की ही तरह केदारनाथ अग्रवाल की सृजन यात्रा भी 7 दशकों का विस्तार लिए हुए है। केदार जी का रचना काल जितना विस्तृत है उतना ही वैविध्यपूर्ण। उनकी कविता में प्रकृति भी है और प्रेम भी, जीवन का उल्लास है तो श्रम का सौंदर्य भी। बुंदेलखंड की प्रकृति, पथरीली पहाड़ियाँ और वहाँ का कष्ट साध्य जीवन उनकी कविताओं में बार बार लौट लौट कर उपस्थित होता है। केन नदी से तो जैसे उनकी कविता का स्रोत ही फूटता है। इसी केन के तट पर बसे बांदा में किसी योगी साधक की तरह धुनी रमाए वयोवृद्ध कवि केदार ने हिंदी साहित्य को अपने जिन कविता संग्रहों से समृद्ध किया है उनमें प्रमुख हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, पंख और पत्थर, आग का आईना, मार प्यार की थापें, देश देश की कविताएं, हे मेरी तुम, कहें केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, कुह की कोयल, खड़े पेड़ की देह आदि। इन कविता संग्रहों के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास पतिया तथा विचार बोध व विवेक विवेचन सरीखे गद्य ग्रंथ भी लिखे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के 87 वर्ष पूरे किए हैं। शतायु की कामना के साथ प्रस्तुत है यह मुलाकात। बाबूजी, बातचीत का यह सुयोग हमारा सौभाग्य है और इस बातचीत का प्रारंभ मैं अपनी इसी जिज्ञासा से करना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में कविता को कैसे अपनाया। मेरे पिता कविता लिखते थे, घर में कविता का वातावरण था और पिताजी ने रामलीला गांव की वजह से रामलीला शुरू हुआ घर के पास ही बिल्कुल बगल में, और इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैं कविता से रुचि रखने लगा। उनकी किताबें, कविताओं की, पुराने काव्य संकलन लोगों के, केशव वगैरह के, रामायण और ये सब देखने, तो इस तरह से मेरे कविता का शौक हो। घर से ही आपको संस्कार मिले? घर से ही। बाबू, जब आपने कविता लिखना शुरू किया तो वो पंत प्रसाद महादेवी का युग था, लेकिन आपने अपनी राह इनसे अलग और निराला को मॉडल बना करके अपना रास्ता बनाया, तो ये जो निराला को मॉडल बनाकर आपने रास्ता बनाया, ये इसकी प्रेरणा या इसका रहस्य क्या है? मैं 4 साल रायबरेली में पढ़ा, वहाँ से 6th पास किया, 7th मैंने कटनी से पास किया, 8th मैंने जबलपुर से पास किया, फिर 9th इलाहाबाद में आया, नैनी में रहता था और रोज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जाता था, 21 से 21 आता था, और 10th भी और इंटरमीडिएट इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से, तो वहाँ रहने से, इलाहाबाद में रहने से, और फिर इसके बाद मैंने बीए हिंदू हॉस्टल में रहा, इस तरह से यूनिवर्सिटी का वातावरण और ये सब उस ज़माने की देख करके, इन लोगों की खड़ी बोली के मैथिली शरण गुप्त मुझको बहुत अच्छे लगते थे, राम नरेश त्रिपाठी थे वो इलाहाबाद के, बड़े अच्छे कवि लिखते थे कविताएं संकल, तो वो सब मैं देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था। कोर्स में मेरे एक किताब थी दर्जा 3 में, हिंदी प्रवेशिका, जिसमें ये मैथिली शरण गुप्त की कविता थी गांव के ऊपर बहुत, और शुरू में वो था उसमें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्रता, ये सब, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर माइंड में कविता का पड़ा, रामलीला का भी इफेक्ट था, तो गद्य की बजाय पद्य की ओर। आपकी कविता में एक निश्चित धार और वैचारिक प्रतिबद्धता दिखती है, ये वैचारिक प्रतिबद्धता के संस्कार आपको कहाँ से मिले? पहले तो मुझ पर पद्माकर वगैरह इनका मस्तिष्क में प्रभाव था जी, उस तरह की प्राचीन कविता लिखने की रीत वकालीन, लेकिन वो उतना विद्वान मैं था नहीं जी, उस तरह लिख नहीं सकता था, लेकिन धीरे धीरे ये मैथिली शरण गुप्त, राम
राम नरेश त्रिपाठी इन लोगों की कविताएं और देखता था, तो वो खड़ी बोली की जो कविता थी वो मुझे अच्छी लगने लगी और ज्यादातर लोग खड़ी बोली में उस समय लिखने लगे थे, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आपकी कविता पर ये मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखता है, तो मार्क्सवाद उस समय का एक वैचारिक दर्शन था, तो मार्क्सवाद के संपर्क में आप कैसे आए? मार्क्सवाद का ऐसा हुआ कि मैं जब वकील हो गया जी सन 37-37 में, तो मैंने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की एक पुस्तक थी उसको मैंने पढ़ा जी, और फिर जीवन दर्शन पढ़ा, तो मन से प्रभावित हो गया। मैंने जनेऊ कराया था, जनेऊ उनेऊ सब मैंने तोड़ के फेंक दिया और उसके बाद मैं ईश्वर को नहीं मानने लगा और मनुष्य में मेरी आस्था बढ़ी कि मनुष्य को उन्नत करना चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए और मानवीय बोध को विकसित करना चाहिए। प्रत्येक कवि या जितना भी हो, केवल कविता का यही आनंद नहीं कि शब्दों के वो देखिए आप आनंद और ध्वनि से प्रसन्न रहिए, जीवन से कविता जुड़ा है, तो इसलिए मैं निराला से जुड़ा रहा। निराला मुझे अच्छे लगते रहे, पंत में वो बात नहीं थी, वो दम नहीं था, शब्दावली थी उनकी लेकिन वो वैचारिक गहराई नहीं थी, इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते थे और मैं अपने को अपने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रभाव में उसी तरह का सोच करने लगा अपने जीवन के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे धन कमाने की लालसा नहीं हुई, वकील भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने कभी सरकारी वकील रहा, एक पैसा घूस नहीं लिया, कभी नहीं, धन का मोह नहीं मुझे रहा, केवल ये रहा कि अपने को विकसित बनाओ, नेक आदमी बनो, समझदार आदमी बनो, विवेकशील बनो, केवल मौज मारने वाले मस्ती से जीने वाले नहीं बनो। आदमी का शायद सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे नैतिक कर्तव्य मनुष्य का है सुखी होना। इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना ही है। साईं इतना दीजिए, इसको ऐसा करके पढ़ा जाए, साईं इतना ही दीजिए, जामे कुटुम समाए, वो सहज प्रसन्नता, वो कालातीत होकर के परम पद पाना, वो शायद ऐसे ही नसीब होता है। जिसका संग्रह इस उम्र में आया और संग्रह का नाम है वसंत में प्रसन्न पृथ्वी, ऐसी तो कोई कविता ही नहीं कर पाएगा। जो उस कविता का शीर्षक है वसंत में प्रसन्न पृथ्वी, ये प्रसन्नता, इस प्रसन्नता का संबंध एक विचारधारा से भी है। उस विचारधारा में और अच्छी बातों का समावेश से भी है। उस प्रसन्नता का संबंध कथनी नहीं करनी से भी है। आपने वकालत और कविता, इसका सामंजस्य कैसे बिठाया? वकालत ये हुआ कि मैं ज़्यादातर तो वकील जो मेरे पहले सरकारी वकील भी होते थे, घूस वूस लेते थे, और ज़्यादातर वकालत में उस ज़माने में कम थी, लेकिन थे तब भी लोग वकील घूस लेते और जो है अफसर घूस ले, लेकिन मैं पैसे से मेरा मुंह नहीं था कुछ भी, कभी नहीं रहा, ये रहा कि मनुष्य अच्छा बनो। तो मैं वकील होकर के जब आया तो मैं यहाँ का रहा वकालत में, बार का प्रेसिडेंट बना एक साल रहा, हाँ, जज को हाई कोर्ट के बुलाया वो भी आए, तो मेरी ये था कि ये कोई अंगुली ना उठा सके कि इसने पैसा खाया इसने, तो मेरी इज्जत जजेस में डीएम वगैरह में बड़ी थी, सब मुझे मानते थे, और इसीलिए मैं केवल वैचारिक जीवन दर्शन से
और किताबों में जो रूलिंग्स थी जी, उनके केसेस के बारे में वो छांटता था, वो प्रस्तुत करता था। परिश्रम जरूर करना पड़ता था, इसीलिए मुझे एक साल में मैंने अप्लाई किया। मेरे चाचा रहते थे यहाँ बहू मुकुंदलाल, लेकिन वो चले गए फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो मैं अब अकेला हो गया। तो मैंने कहा आप जाइए, मैं अब मेहनत करूँगा। तो उनके जाने के बाद मैंने अपने को विकसित किया, खूब पढ़ा लिखा, किताबें उनसे कहा आप ले जाइए जितना लेना, लेकिन वो शरीफ थे, थोड़ी सी किताबें ले गए, बाकी सब यहाँ छोड़ गए उस ज़माने से। तो मैं अपनी मेहनत करता था और ये कहता था कि ये वकील, सरकारी वकील का ये जो घूस वूस लेते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने आप 40 रुपया रोज, पहले 24 मिलता था, फिर 40 रुपया रोज मिलता, डेली की थी, उसको मिलता था, उसी में रहता था। और मेरी पत्नी थी, मैं था, यही था, मेरा लड़का एक था, वो जो आजकल मद्रास मशहूक। तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं था। ये रहा कि प्रत्येक मुकदमे में, चाहे फौजदारी का हो, चाहे दीवानी का, चाहे माल, उसमें देखता था कि इसमें क्या खामी है, कानूनन कमजोरी क्या है, जिस पर भी हम बता करके जीत सकते हैं। तो ये मैं ढूंढता था, किताबें पढ़ता था, रूलिंग पढ़ता था और उनको पेश करता था जी। और ईमानदारी से रहता था तो मेरी बात को जज विश्वास भी करते जी। बाबू जी, आपको प्रायः सौंदर्य और प्रकृति का कवि कहा जाता है, लेकिन आप रूढ़ अर्थों में सौंदर्य और प्रकृति के कवि नहीं हैं, क्योंकि आपकी कविता में नीम भी है, बबूल भी है, झाड़ियाँ भी हैं, कांटे भी हैं। तो आप अपने को सौंदर्य और प्रकृति का जो कवि कहा जाता है, इसको किस तरह व्याख्यायित करते हैं? देखिए, प्रत्येक, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, नदी हो, आदमी हो, पशु पक्षी हो, उसकी एक मूर्ति होती है, अपनी प्राकृतिक उसकी शरीर होता है। फिर उसको आदमी उसमें कुछ ऐसी विशेष देखता है कि वो आकर्षित हो जाता है। तो वो देखना चाहिए कि हर चीज़ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आकर्षित करती है, और उस पर सोचना चाहिए और फिर उस पर लिखना चाहिए। इस तरह पर नदी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, सब नदियाँ तो अच्छी नहीं होती, इसलिए ऐसे ही पेड़ है, कोई पेड़ अच्छा लगता है, किसी को गुलाब का पेड़ अच्छा लगता है, गुलाब के फूल, किसी को गुड़हल अच्छा लगता है। तो ये हर एक की मनोवृत्ति से जिसको जैसा लगे, जो रंग और रूप लगता है वो उसके अनुरूप होता है, वो उसको ग्रहण करता है। केदार बाबू की कविता यदि जीवित रहेगी तो वो इसलिए जीवित रहेगी कि जो जीवन है उसकी वो प्रतिच्छवि है, जो मानवीय संवेदना है और हमारा जो लोक हृदय है, उन दोनों की तरंगें उसमें जब कोई बांदा के बारे में, केन के बारे में, और केदार बाबू जहाँ रहते हैं उस परिसर में जो बेल का पेड़ खड़ा है, या जो बबूल पर उन्होंने कविता लिखी है, जो पत्थर पर कविता लिखी है उन्होंने, या जो धोबी पर कविता लिखी है, या कमासिन बांदा के कहिए, या उनका जो पूरा पारिवारिक चित्र है, उनकी पत्नी की झलक है, उसमें जो सौंदर्य है, उनकी जो आइंद्रिकता है, इसके कारण केदार बाबू की जो कविता है वो अमर रहेगी। कविता की 5 पीढ़ियां आपके सामने से गुजर चुकी हैं, तो आज जो कविता की स्थिति है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो देश के पूरे राजनीति की स्थिति है, कोई संतुलन नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हर एक अपने अपने, वैसे ही काव्य के क्षेत्र में भी और वैसे ही फैला हुआ है, कोई छायावादी तत्व लेता है, कोई कहता है ऐसी कविता लिखो, नाम भूल रहा हूँ, प्रगतिशील लिखो, फिर कहता है कोई बियॉन्ड टाइम के लिखो, कालातीत, कालातीत, ये सब चल रहा है। तो ये, लेकिन जो कवि है
जो वाकई में कविता को अपने अंदर, तो पहले कवि को अपने अंदर कविता ढूंढनी पड़ती है, वो जब उसको पा लेता है शब्दों में तब बाहर देता है, बाहर यानी जीवन में, यस जीवन में कविता के रूप में व्यक्त करता है और उसी तरह जीता है। तो ये चीजें धीरे धीरे उसको विशिष्ट भी बनाती है दूसरों से और ख्याति भी देती है। केदार की कविताओं में वृत्तियां, ऐसा नहीं है कि वृत्तियों का द्वंद्व नहीं है, अकेले उल्लास है, अकेले सौंदर्य है, उसके बगल में उसकी विरोधी वृत्ति खड़ी है, लेकिन उसको जीतना। कविता में कई जगह केदार जी कहते हैं कि हम विजय की तलाश, फूलों के भीतर विजय की तलाश, पानी के भीतर से विजय की तलाश, संघर्ष की तलाश, सूर्योदय के भीतर से आदमी के जीवन और साहसी उदात्त व्यक्तित्व की तलाश, लगातार एक ऐसे आदमी की तलाश, एक ऐसे जीवन की तलाश जो अपराजेय है। यही तो मनुष्य है, यही मनुष्यता है, सैकड़ों विपत्तियों और गुलामी के बीच भी अलख जगाती है। मनुष्य का यही अदम्य रूप है जो तमाम तरह के घेरों के बावजूद उसे नष्ट नहीं होने देता। मनुष्यता कभी नष्ट नहीं होती। इधर के कुछ नए युवा कवियों का नाम आप लेना चाहेंगे जिनकी कविताएं आपकी निगाहों से गुजरी हों? नहीं, लिखते तो कई हैं, कभी कभी अच्छी भी लिखते हैं, लेकिन जो मैंने बताया ना कि मानवीय बोध को अपने विकसित एक कुछ हद तक पहले करते हैं, इसके बाद कविता में पढ़े रह जाते हैं, अपने को विकास नहीं करते तो कविता का भी विकास नहीं हो, उनकी मानसिकता नहीं विकसित होती, चिंतन पद्धति नहीं बनती और देखने का तरीका बदलता। जैसे जैसे आदमी समझदार होता है वो दूसरे ढंग से देखता है, तो वो नहीं कर पाते हैं लोग, बस ऊपर ही देखा हुए में पड़े रह जाते हैं, कोई पैसा कमाने में, कोई प्रतिष्ठा कमाने में, इसी में लग जाते हैं। इधर की कविता के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पाठकों से कटती जा रही है और गद्य तत्व इस पे बहुत प्रभावी हो रहा है, तो ये जो कविता की यह प्रवृत्ति है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कविता का रूप तो जैसे जैसे जीवन में विशिष्टता आती जाएगी वैसे कविता भी बदलेगी, एक रूप तो नहीं रह सकती। और गद्य और पद्य का डिफरेंस पहले इसीलिए था, जैसे राजा में और जनता में होता है वैसे ही उनमें था, वैश्याएं थी उनकी ज्यादा कदर थी, और गांव में जो देहातों में वो नाचने गाने वाली होती उनकी कदर नहीं थी। तो इसी तरह पर काव्य के क्षेत्र में धीरे धीरे अब जो मॉडर्न मानवीय बोध है, वैज्ञानिक चिंतन से जिस आदमी ने अपने को बोध बनाया है, वो दूसरे ढंग से लिखेगा। वो केवल इसीलिए नहीं लिखेगा कि ये बड़ा सुंदर है, उसमें कोई होगा उसको मनुष्य को जीवन में उत्साह देने को, प्रेम देने को, उसको आगे ले चलने की शक्ति हो, वो ऐसी कविता लिख के देगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये बढ़ते ही जाएगा। कविता भी कोई वो लोहे की छड़ होके नहीं रह जाएगी। आपकी कविता को लेकर लंबे समय तक आलोचकों में एक उदासीनता रही है और डॉक्टर रामविलास शर्मा आपके परम मित्र रहे हैं और उन्होंने भी बहुत बाद में आपकी कविता पर लिखा, तो ये जो आलोचकों की उदासीनता रही है इसका आपकी कविता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा या क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मैं तो अपनी कविता को अपने दृष्टिकोण से देखता था, सोचता और दूसरों से कहता है तुम किताब जो किताब खरीदना चाहते हैं, मैंने क्यों पैसा फूकते हो, कौन कविता तुमको, ये हम अपना लिखते हैं, लिख के रखते हैं, कोई हम प्रतिष्ठा या नाम नहीं चाहते थे, हम अपने को
कविता से जितना हम कविता में जी लेते हैं वो वास्तविक अपने मन के मुताबिक जीवन होता है हमारा, इसलिए हम उसको अपनाना चाहते हैं। ये बाह्य जीवन जो है चारों तरफ फैला है, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं रहती, कविता हमें ये संभाले हुए है। आपने कविता के साथ गद्य को भी अपनाया है, यानी कुछ संस्मरण लिखे हैं, चिल्का चित्र है, पतिया उपन्यास है, एक अधूरा उपन्यास है आपका, तो ये आपने कविता के साथ जो गद्य लिखा, इसके पीछे क्या जो अभिव्यक्ति कविता में नहीं आ पाती थी वो उसको व्यक्त करने के लिए आपने गद्य को माध्यम के रूप में चुना? प्रेमचंद मुझे सबसे अच्छे लगते थे। उस जमाने में भी जब मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में था, मेरी पत्नी थी, तो निर्मला एक प्रेमचंद का उपन्यास वो मैंने खरीदा था, तो बहुत अच्छा लगता था, हम दोनों पढ़ते थे और रोते थे। तो प्रेमचंद की कविता और एक कहानी उपन्यास ने मुझे उसकी ओर भी आकर्षित किया कि मैं भी कुछ लिख सकूं। तो आज प्रेमचंद का ये उसमें योगदान है, उनकी मानसिकता से मुझको बड़े अच्छे लगते थे। अब आप उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ आपको जो लिखना था जो आप नहीं लिख पाए, कुछ करना शेष रह गया है? नहीं, ये लगना चाहिए पर मुझे यह नहीं लगता। मेरी जितनी क्षमता है उसको मैंने उस हद तक विकसित कर लिया है, और मेरे पास और आगे वैसी क्षमता नहीं है कि मैं उनकी तरह लिखूं, पॉल रॉबसन की तरह लिखूं, या और जो बड़े कवि हुए हैं निरालय की तरह हो। इस तरह नहीं, मैं जितना अपने को मेरे पास शब्द हैं उनको मैं अपनी तरह से अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता हूँ, तो उसमें मैं अपना कर लेता हूँ। मैं कोई ये नहीं चाहता कि मैं शेक्सपियर हो जाऊँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, न ये चाहता हूँ कि घनानंद की तरह लोग मुझे माने, ये नहीं। साधारण जीवन जीता हूँ, गांव का आदमी हूँ, मेरी कविता पढ़े वो भी समझ जाए तो वो भी कुछ अपने जीवन। बांदा में रहकर एकांतिक जीवन जीते हुए महानगरों की चकाचौंध से दूर, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये आपको व्यापक और एक बड़े जीवन से काटता है? कहीं छोटी जगह पे रहना यह आपको जनजीवन से ज़्यादा जोड़ता है या सीमित करता है? छोटी जगह रह करके हम उन आदमियों को, उन व्यक्तियों को, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को और सामाजिक परिवेश को ज़्यादा निकट से जानते हैं, और जो शहर में रहते हैं वो उतना नहीं जानते जी, घनिष्ठता से हम जानते हैं जी। बाबूजी, आपके व्यक्तित्व और जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पारंपरिक कवि रूप से मेल नहीं खाती। जैसे आपने पूरा गृहस्थ का जीवन जिया, आपने वकालत का पेशा अपनाया और आप एक बांदा जैसी जगह पे रहे, तो ये आपकी जो जीवन शैली है इसने आपकी कविता को संबल दिया? ये संबल जो है ये आपका अपना चुनाव था या परिस्थितिवश था? नहीं, ये तो मेरा लड़कपन से चुनाव था। हाँ, परिस्थितिवश नहीं कुछ किया मैंने कि इन पर ऐसी परिस्थिति वैसा करो। जैसे वकील ही था, बहुत से लोग मुझे आते थे जब सरकारी वकील था, घूस देते थे हजारों में, मैंने एक पैसा नहीं लिया। तो मेरे ऊपर परिस्थिति और स्थिति का इस तरह नहीं है सर, मैं अपने जीवन को देखता था कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। हम लोग सदी के अंतिम वर्षों में हैं, 21वीं सदी दस्तक दे रही है, तो आने वाली सदी में कविता का स्वरूप क्या होगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कविता का स्वरूप तो देश भर में जैसा हो रहा है ये अभी 50-60-100 साल तक ऐसे ही चलेगा सब जगह, उसमें कोई परिवर्तन जब तक कि कॉमन मैन, साधारण जन जीवन वाले आदमी या पढ़ाने लिखाने वाले आदमी वो उस विकसित मानसिकता के न हो जाएंगे। सब जगह रूढ़ियाँ हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से सोचते हैं, कोई वैज्ञानिक
चिंतन नहीं है, और जब तक ये न होगा, मानवीय बोध का चिंतन न विकसित होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाली पीढ़ियों के नाम आप कोई अपना संदेश, अपनी बात ना कुछ कहना चाहें इस माध्यम से? आने वाली पीढ़ियों के लिए, आदमियों के लिए संदेश मेरा यही है कि नेक आदमी बनो, वैज्ञानिक चिंतन करो, मानवीय बोध को विकास करने वाला चिंतन करो, और कभी भी संकुचित या परंपरा इसके चक्कर में न पड़ करके, बल्कि जीवन कैसे आगे बढ़े और अच्छा हो, ऐसा न हो कि आपकी तालाब की मछली की तरह होके पड़े रह जाए। विकास करिए, खुला आकाश लाए जीवन में भी है ना, तो ऐसा चिंतन करना चाहिए, और ये तभी होगा जब प्रत्येक आदमी हृदय से ईमानदार होगा। बाबूजी, आप एक अपनी कविता? मेरी एक छोटी सी कविता है, धूप की तलवार। खिले हैं खुले दिन के कमल के फूल, खिले हैं खुले दिल के कमल के फूल, आकाश का विश्वाधार पंखुरियों पर उठाए, हवा का हिलता है दुकूल, न कोई टंटा है न कोई शूल, नदी में चमकती है धूप की धार धरी तलवार।